हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज आप अच्छा वैसे आप जो मेरा चैनल देख रहे हो, ये सीए एक्सक्लूसिव है। ये सिर्फ सीए के लिए वीडियो आती है यहाँ पे, लेकिन जो आप ऊपर एफएलएम देख रहे हो, हमारा दूसरा चैनल है, हमारा मेन चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और खाली सीए रिलेटेड कंटेंट जो इस चैनल पे आता है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आज एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कि एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर सीए इन इंडिया। और अब हम सीए से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे अपने चैनल के ऊपर। फ्रेशर सीए की सैलरी कितनी है अगर हम बात करें, मेरे से बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर बच्चा जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है ना, सीए हो, सीएस हो, सीएम, और उसका पहला टारगेट ही होता है कि सर मेरे को अपना वो किसी आस पड़ोस के बच्चे से, जब जिसने उसको रेकमेंड करा होता है कि आप ये कोर्स कर लो, पहली चीज वो ये पूछता है कि मेरे बनने के बाद सैलरी कितनी लग जाएगी। तो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज सैलरी फ्रेशर सी इन इंडिया, तो वो 6 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम के बीच में लगती है, 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में लगती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अच्छा ये एवरेज क्यों बोल रहा हूं, देखो ज्यादातर आप लोगों का जो पैकेज देखोगे ना, किसी का 6 लाख रुपए साल लगता है, मतलब 85,000 रुपए महीना, किसी का 7 लाख रुपए साल, किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, ये एवरेज है। मतलब लगने को इससे ज्यादा भी लग सकता है, लगने को इससे कम भी लग सकता है। मैंने ऐसे ऐसे सीए भी देखे हैं जिनकी सीए बनने के बाद खाली 25-30,000 रुपए की नौकरी लगती है, और मैंने ऐसे ऐसे सीए भी देखे जिनका सीए बनने के बाद 24-25 लाख रुपए का फ्रेशर का पैकेज लगता है, 2-2 लाख रुपए पर मंथ का। ये डिपेंड किस पे करता है, ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है आपकी नॉलेज कैसी है, जब आप पढ़ रहे थे तो अपने नॉलेज कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपने आर्टिकलशिप कहां से की थी, ये भी बहुत मैटर करता है, ये फैक्टर भी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप बोलते कैसे हो, एटसेट्रा। आपकी कोई रैंक थी या नहीं थी सीए में, एटसेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। देखो कि आपका पे पैकेज खाली आपके डिग्री से डिसाइड नहीं होता। अगर मैं आज 10 सीए क्वालिफाई करवा दूं, सबसे मान लो कोई 10 सीए, सबकी सेम एज है, सबका सेम वन शॉट में क्वालिफाई करिए, है ना, सबके परसेंटेज भी सेम है, स्टिल 10 लोगों का पैकेज सेम नहीं लगेगा, किसी का ज्यादा लगेगा, किसी कम लगेगा, क्योंकि आप बोलते कैसे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपने आर्टिकलशिप कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है आपका पैकेज, है ना। बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप करते ही नहीं है, डमी ले लेते हैं। डमी का मतलब है कि ऑन पेपर किसी सीए से लिखवा लिया कि बच्चा आया था, लेकिन एक्चुअल में कभी गया ही नहीं, इसे हम बोलते डमी। तो ये तो बेकार है ना, ऐसे लोग अपने प्रोफेसर के, अपने प्रोफेशन के लिए ही कैंसर है। आप समझो कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त वो ये बोल दे कि मेरे को ऑपरेशन करना ही नहीं आता, मैंने तो काम सीखा ही नहीं, उसका चाकू पकड़ के हाथ कांप रहे हैं, तो वो डॉक्टर किस काम का। तो सेम अगर आपने बुकिश नॉलेज ले ली, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप नहीं करी और आपको प्रैक्टिकल उन चीजों का अप्लाई करना नहीं आता, तो आप सीए किस बात के, है ना। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप बेकार हो। तो इसलिए आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप आर्टिकलशिप करो, अच्छी जगह से करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी ना अभी एमबीए तो है नहीं, एमबीए में तो क्या होता है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स कॉलेज वाले इंप्रूव करवाते थे, यहाँ तो क्या होता है कि सीए वाले बच्चे को बुक्स घर में भिजवाए थे, बच्चा बैठ के पेपर देता रहे। तो बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत पुअर होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत पुअर होती है, तो कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, सब दुनिया में आके सीखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें वीक है, तो 5 साल का कोर्स है, 5 साल में अपने आपको इंप्रूव कर लो, बिल्कुल इस तरीके से बना लो कि साला कोई भी आ जाए सामने देख लेंगे, इस तरीके की पर्सनैलिटी बनाओ अपनी। और कोई भी चीज सीखना इंपॉसिबल तो है नहीं ना, सब धरती पे आके सीखते हैं, कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं। तो एवरेज सैलरी इतनी है। एक बार अगर आपकी, और डिग्री इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है कि 4 लाख लगे, हो सकता है 5 लाख लगे, 6 लाख लगे, ज्यादातर 6 लाख से 10 लाख के बीच में लगती है, मैंने जो लोगों को देखा है। उसके बाद तो विद इन 5 to 7 years आपका पैकेज 3-4 लाख रुपए महीना, 2-2.5 लाख रुपए महीना आराम से होता है। और एक बार आप ग्रो करते चले गए तो स्काई इज द लिमिट। फिर उसके बाद तो एक बार अगर आप सीए बने, आपको 12-15 साल होगा, जैसे डॉक्टरों का तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, सैलरी बढ़ती चली जाती है, इसी तरीके से तुम्हारा भी तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा पे पैकेज बढ़ता चला जाता है, फिर स्काई इज द लिमिट है, ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, मेरी बात क्लियर हुई होगी। तो आप अपना अगर पे पैकेज अच्छा चाहते हो तो अच्छा, रैंक भी मैटर करती है, आपके अटेम्प्ट कितने लगे ये भी मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लग गए हैं, 4-5 लग गए हैं तो आपकी सैलरी कम लगेगी, नहीं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि आपके अटेम्प्ट ज्यादा लग गए लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह से की थी, तो आपका पे पैकेज बहुत अच्छा लगता है। तो अब अगली बार मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं या नहीं करते, उसके ऊपर अलग से एक बात करेंगे वीडियो के अंदर, एक अलग वीडियो लेके आएंगे उसके लिए। और आप बताओ आप सीए से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट चाहते हो, उसके ऊपर बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।
जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।